गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया। पहले मैं आपको समझाऊंगी नेशनल पार्क्स का मतलब होता क्या है। जो जानवर होते हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, तो जहाँ वो रहना चाहते हैं वो होता है जंगल, है ना। लेकिन वहाँ पर जो शिकारी होते हैं, हंटर होते हैं, वो उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें मारते हैं, ठीक है, उन्हें काटते हैं अपने मज़े के लिए। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए जहाँ पर ये जानवर क्या रहते हैं, सेव रहते हैं, ठीक है, सेफ रहते हैं वहाँ पर ये, और वहाँ पर इनकी पूरी देखभाल होती है। वहाँ जंगल जैसा ही माहौल होता है, इनको खाने के लिए भी मिलता है ना। इनकी पूरी सुरक्षा से ये वहाँ पर रहते हैं, इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है, क्योंकि ये जानवर बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें देखने का मन करता है, तो हम कहाँ जाना चाहिए, हमें नेशनल पार्क्स जाना चाहिए, वहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेशनल पार्क्स लर्न करते हैं। ये दे रखे हैं पार्क्स एंड स्टेट, ठीक है। पार्क्स को बोलते हैं उद्यान और स्टेट को बोलते हैं राज्य, ठीक है बच्चों, चलिए लर्न करिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड, चलिए फिर से। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, वेरी गुड। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। चलिए फिर से एक और बार। अब आप लोग अपनी आईज क्लोज करिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान इज इन महाराष्ट्र, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटक, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड, एंड कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। वेरी गुड, एक और बार। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। चलिए अब आप लोग अपनी आईज को क्लोज ही रहने दीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात, वेरी गुड। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र, वेरी गुड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक। कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइए, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। अब मैं आपको राज्य बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे उस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है बच्चों। बताइए गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ग से गिर और ग से ही गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी गुड। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम लोग आगे लर्न करते हैं 6 to 10। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। फिर से एक और बार। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। फिर से एक और बार। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। और सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप लोग अपनी आईज को क्लोज करिए। वेरी गुड, अब आप लोग मेरे साथ लर्न करिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है।
और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, अब आप लोग अपनी आईज को क्लोज ही रखेंगे, मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। वेरी गुड। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। वेरी गुड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, सारिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है बच्चों? राजस्थान में है। वेरी गुड। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी राजस्थान में ही है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेट्स बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे उन स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, बताइए पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी गुड। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी गुड। और राजस्थान में सारिस्का टाइगर रिजर्व है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी गुड। चलिए आगे लर्न करते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? उत्तराखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए फिर से एक और बार। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बच्चों, उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, अभी अभी लर्न किया था हमने, बताइए कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वेरी गुड। अब आप लोग अपनी आईज को क्लोज करिए। हाँ, अब मुझे बताइए उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? अभी अभी लर्न किया था हमने, कोरबेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। वेरी गुड। चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। आईज को क्लोज ही रहने दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए फटाफट से, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? उत्तराखंड में है। वेरी गुड। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। वेरी गुड। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वेरी गुड। अब मैं आपसे क्या पूछूंगी? नेशनल पार्क्स पूछूंगी। बताइए उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? अभी अभी लर्न किया था। हाँ जी, कोरबेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। वेरी गुड। कोरबेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में कोरबेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और बताइए मुझे, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे 16-20 लर्न करते हैं। आगे हैं चिल्का बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। वेरी गुड। चलिए लर्न करते हैं इसे। चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताइए मुझे? अभी अभी लर्न किया था हमने, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। वेरी गुड। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अभी अभी पढ़ा था हमने कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी गुड। घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है?
राजस्थान में है। राजस्थान में हमने एक साथ दो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, एक टाइगर रिजर्व पढ़ा था और एक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, बताइए कौन से थे वो, बताइए जल्दी। सारिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, हरियाणा में है। चलिए ये तो जल्दी लर्न हो जाएगा आपको, आइज क्लोज करिए। चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में है। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है, वेरी गुड। आइस को क्लोज ही रहने दीजिएगा। बताइए मुझे चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी गुड। घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, एक है, बताइए जल्दी से याद करिए। सारिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, बताइए, हरियाणा में है। चलिए अब मैं आपको स्टेट्स बताऊंगी, आप मुझे पार्क्स बताइएगा। बताइए ओडिशा में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, वेरी गुड। राजस्थान में सारिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और बताइए मुझे घाना बर्ड सेंचुरी, वेरी गुड। तमिलनाडु में मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हरियाणा में बताइए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, वेरी गुड। चलिए आगे लर्न करते हैं 21 to 25। ये रहे आपके 21 to 25। चलिए इसे लर्न करते हैं। क्या लिखा है, कैंपबेल बे, बोलिए। CAMP को क्या बोलते हैं, कैंप। और BELL को क्या बोलते हैं, बेल। तो दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, कैंपबेल बे नेशनल पार्क। क्या कहाँ पर है ये बच्चों, A&N Islands। तो A&N का मतलब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलिए आगे क्या लिखा है, चंडौली। क्या लिखा है, चंडौली। चंडौली नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, वेरी गुड। फिर आगे क्या लिखा है, डिब्रू। फिर पढ़िए, सिखोवा, वेरी गुड, नेशनल पार्क। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। चलिए आगे क्या लिखा है, जल्दापारा। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। फिर आगे तो अब आप प्रोनाउंस कर ही लेंगे। क्या लिखा है, माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, कौन सा था वो, बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था, वेरी गुड। चलिए अब लर्न करें, बोलिए मेरे साथ, कैंपबेल बे नेशनल पार्क इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चंडौली नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, वेरी गुड। अब आइज क्लोज करिए, लर्न करिए मेरे साथ, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है, A&N Islands मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेरी गुड। चंडौली नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक और नेशनल पार्क हमने लर्न किया था, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। एक और हमने लर्न किया था असम में भी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है,
वेस्ट बंगाल में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड, अब मेरे साथ लर्न करिए। कैंपबेल बे नेशनल पार्क इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चंडौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क असम। जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। वेरी गुड, अब मैं पार्क्स बोलूँगी, आप मुझे स्टेट बताएंगे। बताइए कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेरी गुड, चंडौली नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेरी गुड, और माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड, चलिए अब मैं स्टेट बोलूंगी, आप मुझे पार्क्स बताएंगे। बताइए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कौन सा नेशनल पार्क है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क। वेरी गुड, महाराष्ट्र में चंडौली नेशनल पार्क। असम में डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। वेरी गुड, और वेस्ट बंगाल में बताइए? जल्दापारा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क। वेरी गुड, चलिए आगे लर्न करते हैं। लास्ट है 26 to 30। 26 पे क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में अब कितने नेशनल पार्क्स हो गए बच्चों? 3 नेशनल पार्क्स हो गए। बताइए मुझे, एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और एक अभी अभी हमने लर्न किया था, कौन सा था? माधव नेशनल पार्क, और ये रहा थर्ड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, आगे क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं इसे? बक्सा टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक और नेशनल पार्क पड़ा है अभी अभी हमने, बताइए कौन सा है? जल्दापारा नेशनल पार्क। वेरी गुड। 28 पे क्या है? दचिगम नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। फिर क्या लिखा है? मानस नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? असम में है। असम में एक और नेशनल पार्क हमने लर्न किया था, बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक अभी अभी हमने लर्न किया था, वो कौन सा था? डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। तो अब कितने हो गए असम में नेशनल पार्क्स? 3 नेशनल पार्क्स हमने लर्न किए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या दे रखा है? नोक्रेक नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। वेरी गुड, चलिए लर्न करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों? मेघालय में है। आंखें बंद करिए एक और बार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में है। वेरी गुड, अब मैं पार्क्स बोलूंगी और आप मुझे स्टेट बताएंगे। बताइए बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में है। वेरी गुड, अब आप क्या करेंगे? मैं आपको स्टेट बोलूंगी और आप मुझे पार्क्स बताएंगे। बताइए मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं बताइए? हाँ जी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। वेरी गुड, वेस्ट बंगाल में बताइए? जल्दापारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व। वेरी गुड, जम्मू कश्मीर में दचिकम नेशनल पार्क। असम में बताइए? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। मेघालय में नोक्रेक नेशनल पार्क। वेरी गुड बच्चों,
तो बच्चों ये है आपका जीके का टॉपिक नंबर 14, नेशनल पार्क्स इंडिया। ठीक है, अब आप लोगों को इसे और अच्छे से लर्न करना है। हम लोग कब मिलेंगे ये और बता कर जाइए मुझे। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।